हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लाए हैं, जिसको नाम है, आप देख रहे होंगे इसका थंबनेल से ही पता चल गया होगा आपको, ठीक है। इसका थंबनेल का नाम था लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटरमिनेशन, माने लिंग को कैसे निर्धारित किया जाता। आपको पता होगा कि ये लगभग अप्रोक्स एक दो साल के बाद रिपीट करते रहता है ये क्वेश्चन यहाँ से, और आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा यहाँ से आता है, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, बेहतर तरीका से आज समझने वाले, ठीक है, बिना लेट के फटाफट झटाझट हटाहट। देखिए लिखा गया बाबू लोग लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटरमिनेशन, क्या लिखा गया है, सेक्स डिटरमिनेशन। आपको पता होगा लिखा गया है जीवो में, कहां पे बाबू लोग, जीवो में सेक्स को निर्धारित होने की प्रोसेस को, अर्थात बताइए हम जीव हैं और आप में निर्धारित होवे नहीं करेगा, माने आप जीव हैं, आप क्या है जी, जीव है, और आप में निर्धारित नहीं होगा कि आप लड़का है कि लड़की है, तो उसे उसी को बोलते हैं, माने लड़का लड़की को पता करना ही, मेल और फीमेल को पता करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि आप जीव हैं, आप क्या है जी, जीव हैं, और आप में सेक्स को निर्धारित किया जा रहा है, ठीक है, और सेक्स निर्धारण से पता चलता है कि आप मेल है कि फीमेल है, इसी को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या कहते हैं आप लोग, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। चलते हैं फटाफट, ये डिफिनेशन याद हो गया कि जीवो में, कहां पे बाबू लोग, जीवो में सेक्स को निर्धारित होने की प्रोसेस को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं बाबू लोग कि सर जो ये जो निर्धारण किया जाता है वो दिलिंग वाला करने ये नहीं किया जाता, ये एक लिंग के लिए किया जाता है, जिससे हम लोग मेल है और फीमेल, ये मेल और फीमेल को पहचानने के लिए किया जाता है बाबू लोग। तो चलते हैं बिना लेट के आगे की ओर। लिखा गया यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में अर्थात एक लिंगी जीव की, जो कोशिका में कितने प्रकार के सेल होते हैं बाबू लोग, दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं में दो टाइप की क्रोमोसोम होते हैं बाबू लोग। पहला क्रोमोसोम है लिंग क्रोमोसोम, क्या है बाबू लोग, लिंग क्रोमोसोम, अर्थात आप जान रहे हैं कि लिंग क्रोमोसोम जो हमारे लिंग को निर्धारित करें, माने पेनिस को और वजाइना को निर्धारित करें, उसी को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं जी, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। पता सर, पता समझ में आ रहा है कि आपका बॉडी में जो भी क्रोमोसोम हो वो आपका लिंग को निर्धारित करें, अर्थात आप अगर फीमेल हैं तो आप में वजाइना होना चाहिए, आप में ब्रेस्ट होना चाहिए डेवलपमेंट, लेकिन आप मेल है बाबू तो आप में पेनिस होना चाहिए, आपका मूंछ धारी होना चाहिए, ये जो आपको निर्धारित करेगा वो सेक्स क्रोमोसोम निर्धारित करेगा, ठीक है। देखो लिखा गया बाबू लोग कि यह क्रोमोसोम सेक्सुअल करेक्टर अर्थात लैंगिक लक्षण को निर्धारित करता है। अगर लड़का है तो लड़का का मूंछ धारी से आपका शरीर जैसे दबंग बाहुबली जैसा होना चाहिए। सर लड़की है तो लड़कियों में ब्रेस्ट होना चाहिए, उसमें मासिक चक्र आने चाहिए अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चाहिए। तो यह हमारे क्रोमोसोम निर्धारित करता है और इसकी संख्या मात्र एक पेयर होता है। कितना पेयर होता है बाबू लोग, एक पेयर होता है। तो इसको समझते हैं अच्छा तरीका से कि लिंग निर्धारण है क्या, सेक्स डिटरमिनेशन है क्या। लिखा गया जीवो में, कि कहां पे लिखा गया है, जीवो में सेक्स को निर्धारित होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो निर्धारित होने के प्रोसेस को सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। जीवों में, किस में, जीवों में सेक्स को निर्धारित होने के प्रोसेस को सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं बाबू लोग। आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में अर्थात एक लिंगी जीव की कोशिका जो होते हैं, माने हम लोग में जीव की जो कोशिका होते हैं उसमें दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। पहला होता है लिंग को निर्धारित करने वाला क्रोमोसोम, जिसे एक गांव नाम होता है बाबू लोग, एलोसोम। क्या कहते हैं इसे गांव नेम, एलोसोम लिख सकते हैं, एलोसोम, एलो एलोसोम कहते हैं इसे। क्या नाम है गांव नेम बाबू लोग, एलोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम के गांव नाम है एलोसोम भी कह सकते हैं बाबू लोग। ये हमारा लिंग को निर्धारित करेंगे, कहेंगे वैसा क्रोमोसोम जो बाबू लोग, जो एक लिंगी जीव के लिंग को अर्थात सेक्सुअल करेक्टर को निर्धारित करता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अर्थात एक डिफिनेशन में लिखा गया है कि यह जो होते हैं उस सेक्स डिटरमिनेशन को अर्थात लिंग निर्धारण को निर्धारण करता है। सेक्स डिटरमिनेशन माने लिंग को निर्धारण करता है, किसको निर्धारण करता है जी, सेक्स डिटरमिनेशन को निर्धारित करता है, वैसा क्रोमोसोम को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। चलते हैं अगला पॉइंट,
आगे लिखा गया है कि ह्यूमन में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या वन पेयर होता है। कितना पेयर होता है जी? वन पेयर होता है, अर्थात दो होता है। वन पेयर अर्थात दो होता है, माने मनुष्य में सेक्स क्रोमोसोम की संख्या वन पेयर होता है अर्थात दो होता है बाबलू। ये अगर लड़कों की बात करेगा तो लड़कों में लड़का में एक्स वाई होता है और लड़कियों में एक्स एक्स होता है। लड़कियों में डबल एक्स होता है जी, लड़कियों में डबल एक्स होता है जी, और लड़कों में केवल एक्स वाई होता है। क्या होता है जी? एक्स वाई होता है। अगर लड़का है तो उसमें एक्स वाई और लड़की है तो एक्स एक्स होता है। अब चलते हैं ऑटोसोम। क्या चलते हैं बाबू लोग? ऑटोसोम। ऑटोसोम में लिखा गया है कि सर ऑटोसोम मन होता है जो हमारे बॉडी के लक्षण को रिप्रेजेंट करे। देखिए अगर लड़का है और लड़की है तो देखिएगा दोनों के गाल होता है, दोनों के आंख होता है, दोनों का बाल होता है, दोनों का कान होता है, दोनों के हाथ होता है। जो बॉडी का मैच करे, जो लड़का लड़की के बॉडी के जो ऑर्गन मैच करे उस समय जी ऑटोसोम्स के द्वारा बना गया। किसके द्वारा बना होता है? ऑटोसोम। लेकिन आप देखते होंगे कि लड़का लड़की का जो सेक्स करने वाला ऑर्गन होता है वो डिफरेंट होता है और उसी के कारण मेल और फीमेल को पहचान किया जाता है बाबू। ठीक है, तो हमारे बॉडी के जो लक्षण होता है ये बॉडी के लक्षण को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए जिस क्रोमोसोम भाग लेता है बाबलू उस क्रोमोसोम को कहते हैं अलिंग क्रोमोसोम अर्थात कायिक गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र कहते हैं जी? कायिक गुणसूत्र कहते हैं। कौन सा गुणसूत्र? कायिक अर्थात अलिंग। अलिंग माने जो सेक्स में भाग ना ले। अलिंग माने क्या होता है कि जो सेक्स में भाग ना ले अर्थात ये बॉडी के लक्षण को रिप्रेजेंट करता हो, माने जो बॉडी के लक्षण को दर्शाता हो उसे कहते हैं बाबू लोग कायिक गुणसूत्र अर्थात अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। कायिक गुणसूत्र माने अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि जो बॉडी के लक्षण को दर्शाए उसे कायिक गुणसूत्र कहते हैं और जो बॉडी के लक्षण को नहीं दर्शाए वो मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करे अर्थात पेनिस और वजाइना को बताने की कोशिश करे उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और जो बॉडी के लक्षण को रिप्रेजेंट करे जैसे बाल, कान, नाक, मुंह, इसे जो भी हो उसे कहते हैं हम लोग ऑटोसोम। चलते हैं, लिखा गया यह क्रोमोसोम केवल बॉडी के करैक्टर को अर्थात लक्षण को क्या करता है कि निर्धारित करता है, उसी को कहते हैं अलिंग क्रोमोसोम अर्थात कायिक गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र कहते हैं। इनकी संख्या जो होता है ना बब्बा लोग और मैया लोग, इनकी संख्या 22 पेयर अर्थात 44 होता है। कितना होता है जी? 44 होता है। माने बॉडी को लक्षण को रिप्रेजेंट करने के लिए, बॉडी को लक्षण को रिप्रेजेंट करने के लिए 22 पेयर। कितना पेयर? 22 पेयर अर्थात बाबू लोग 44 क्रोमोसोम की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन सेक्स को निर्धारण करने के लिए, माने लिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए मात्र एक ही क्रोमोसोम की आवश्यकता पड़ता है, एक ही जोड़ा अर्थात दो। अगर लड़का है तो लड़का के लिए एक्स वाई और लड़कियां हैं तो उसके लिए एक्स एक्स होता है बाबू। आपको समझ में आ रहा है? देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने की योग्य बात यह है कि सर लड़का में भी 44 होता है, लड़का में भी क्या होता है जी? 44 होता है और लड़की में भी 44 होता है। माने यह क्रोमोसोम जो होता है 44 44 ये होता है ऑटोसोम। क्या होता है जी? ऑटोसोम। और जो एक्स वाई है ये होता है आइलोसोम। ये बात को ध्यान में रखिएगा कि जो 44 44 जो मिल रहा है ना वो ऑटोसोम है और जो एक्स वाई माने एक जोड़ा एक जोड़ा होता है जो ये होता है एलोसोम अर्थात सेक्स को निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है। तो आप पता कर सकते हैं कि मेल में 44 प्लस 1 होता है, ये होता है एलोसोम, ये होता है ऑटोसोम। क्या होता है जी? ऑटोसोम। क्या होता है बाबू लोग? जो 44 है ये होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम होता है, और जो ये होता है ये होता है एलोसोम। एलोसोम मन होता है, आइलोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो वही बात है, ऑटोसोम की संख्या 44 अब आइलोसोम की संख्या एक्स वाई होता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं बाबू इसको निर्धारण करने के लिए आपका रिवाइजिंग पहले करवाते हैं कि सर पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है। तो पुरुष में होगा ह्यूमन में, आप आंसर बताइए फटाफट। पुरुष माने मेल में, किस में बाबू लोग? मेल में। तो मेल में सेक्स क्रोमोसोम की बात कहे तो आंसर में होगा एक्स वाई। क्या होगा जी? एक्स वाई। लेकिन ऑटोसोम की संख्या की बात करें तो ऑटोसोम की संख्या कितना होगा? ऑटोसोम होगा 44। आप बताइए जब 44 हो गया बॉडी को रिप्रेजेंट किया, एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट किया? एक्स वाई जो रिप्रेजेंट किया उसका लिंग को निर्धारण किया, माने लड़का के बॉडी के लक्षण को रिप्रेजेंट करने के लिए 44 और उसके लिंग को निर्धारण करने के लिए एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिएगा फीमेल की बात करें, किसका बात करें? फीमेल की। तो जब फीमेल की बात करेगा ना बाबू, जब इसका फीमेल की बात करेगा तो ये होगा 44 प्लस। देखिए 44 हो गया लड़की को बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाला क्रोमोसोम, लेकिन लड़कियों के जो अस्तन होता, अस्तन माने ब्रेस्ट,
और भेजानो उजाना जो होता है एमसीएम से अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डबल एक्स की आवश्यकता होता है। देखिए डबल एक्स एक इधर से आ जाएगा उसी को कहते हैं ट्रिपल एक्स। क्या कहते हैं जी? ट्रिपल एक्स कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा कि जब लड़की के डबल एक्स और लड़का के एक एक्स जब मिलेगा उसे कहते हैं ट्रिपल एक्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि लड़का में 44 प्लस एक्स वाई अर्थात फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स होता है। अब लिंग को निर्धारण करते हैं। ठीक है, किसको निर्धारण करते हैं? लिंग को। अब देखिए अभी से बनेगा गैमेट, अभी हो गया विकसित, मानिए हम क्या हो गए? विकसित हो गए। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब बताइए इसका रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा विभाजन कराना पड़ेगा? तो गैमेट को फॉर्मेशन करने के लिए, गैमेट को फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस। कौन सा डिवीजन जी? मियोसिस, मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। इधर हिंदी लिख देते हैं अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन, और उधर इंग्लिश लिखा हुआ। ठीक है, तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा ना तो क्या बनेगा? गैमेट। क्या बनेगा जी? गैमेट बनेगा। क्या बनेगा? गैमेट। ये जो गैमेट बनेगा, ये जो गैमेट बनेगा ये आपका 22 होगा, 22 होगा। एक एक यहां से आएगा, एक एक इधर होगा और एक एक इधर होगा। ठीक है, एक इधर होगा। ठीक है, तो ये बन गया बात पुरुष के लिए हो गया 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई हो गया। अगर इधर होगा तो इधर के लिए क्या हो जाएगा जी? तो इधर के लिए होगा बाबू लोग, इधर के लिए होगा 22 प्लस एक्स, यहाँ पे एक सिक्स होगा। ठीक है, क्या होगा जी? एक सिक्स। तीज समझ में आया कि इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें भी मियोसिस, मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, क्योंकि तो मेल, मेल में जो होगा वो 44 प्लस एक्स वाई होगा, फीमेल में जो होगा 44 प्लस एक्स एक्स होगा। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस होगा तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट माने अस्पर्मी। क्या बनेगा जी? अस्पर्मी। क्या बनेगा? अस्पर्मी। ये भी क्या बना? अस्पर्मी बना। तो अस्पर्मी को शुक्राणु कहते हैं। इसमें जो बना होगा ओभम बना होगा। क्या बना होगा? ओभम, ओभम। तो बताइए ओभम में गुणसूत्र कितना होती है? तो 22 अब एक एक्स अर्थात टोटल ओभम में जो गुणसूत्र हुआ 23 हुआ। कितना हुआ जी? 23 हुआ। और अस्पर में भी जो गुणसूत्र की संख्या हुआ वो 23 हुआ। कितना हुआ? 23। इसको फिर से हम देखते हैं अगला पॉइंट में। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मेल है अर्थात फादर कह सकते हैं, कह सकते हैं फादर। इसको फिगर छापना बोर्ड एग्जाम बहुत जरूरी है जी। फादर है, ये मदर है, ये फादर है और ये मदर है। तो फादर में क्या होगा जी? 44 प्लस एक्स वाई। ये तो आप समझा दिए आपको हम, ये 44 प्लस और एक्स एक्स होता है मम्मी में अर्थात मदर में। अब इधर ध्यान दीजिएगा फिर, तो इसमें जो होगा ये तो बॉडी का गुणसूत्र है ना, तो 22 प्लस एक्स 22 प्लस ये जो होगा तो अर्धसूत्री विभाजन होने से होगा। इसको होने से होगा? अर्धसूत्री विभाजन से होगा। जो गैमेट बनेगा, गैमेट, गैमेट बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा जी? गैमेट बनेगा। क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। अब बताइए जब गैमेट बनेगा तो 44 को क्या लिखेंगे? 22। 44 को क्या लिखना है यहाँ पे? 44 को क्या लिखना है जी? 44 को 22 लिखना है। 44 को क्या लिखना है? 22। और यहाँ पर भी 22 लिखना है। क्या लिखना है? 22। और सर जो एक्स है ना वो एक्स को उतार देना है और यहाँ पे वाई को उतारना। ठीक है, तो समझ में आया ये क्या बन गया? गैमेट बना। अस्तर में दो तरह के होते हैं, एक वो 22 प्लस एक्स वाला होता है, एक्स 22 प्लस वाई वाला होता है। लेकिन बाबू लोग ये जो बना ना, अब इधर देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर जो ध्यान दीजिएगा इधर सर ये भी होता है 22 प्लस 22 आएगा यहाँ पे, 22 जाएगा यहाँ पे, ये आएगा एक्स यहाँ पे, आइए यहाँ पे क्या होगा? ये बन गया ओभम। क्या बन गया जी बाबू लोग? ओभम बन गया। क्या बन गया? ओभम बन गया। तो ये ध्यान दीजिएगा अस्तर में दो तरह के होता है, अस्तर में दो तरह के, एक होता है एक्स वाला, एक होता है वाई वाला। एक होता है क्या? एक्स वाला, एक होता है वाई वाला। एक इसमें ओभम दोनों एक ही तरह के होता है। ओभम क्या होता है जी? तो ओभम दोनों के दोनों एक ही तरह होता है। बात समझ में आया? फादर में तो फादर में 22 प्लस एक्स वाई अर्धसूत्री विभाजन हुआ अर्थात मियोसिस हुआ। क्या हुआ जी? मियोसिस। तो मियोसिस से जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तब हुआ हुई, तो युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। अस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, अस्पर्म में दो तरह के, वो एक्स वाला एक वाई वाला, मैंने 22 प्लस एक्स एक होता है 22 प्लस वाई वाला। लेकिन जो मम्मी में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा मदर में,
मियोसिस में जब होगा तो मियोसिस में दो तरह ओवम एक ही तरह का होता है, एक होता है 22+1 और 22+6 होता है। अब ये जब मिलेगा आपस में, ध्यान दीजिएगा, जब ये आपस में मिलेगा तो आपस में मिलाने में आधा बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है, इसको ध्यान में देखिएगा। देखिए पहले इसको पकड़िए, इससे मिलाइए, हाथों का 22 और क्या होगा जी, तो इसमें जो होगा वाई वाला होगा तो 22+44 यहाँ पर एक्स वाई, यहां पर जो होगा अब री वाला में 40+। अब ध्यान दीजिएगा लास्ट है पॉइंट इसका, देखिए 22, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा 44+6y है, यहाँ पे अर्ध सूत्र विभाजन हुआ तो 44 को क्या लिख दे, 22 x को x, फिर 22 बचा होगा तो 22 यहाँ, और y जो बचा था यहाँ लिख दे, यहाँ ध्यान दीजिएगा 44 को क्या लिख दे 22 और x को x लिख दे, फिर 22 बचा होगा 22 लिख दे और x को x लिख दे। ये किसका फॉर्मेशन हुआ, मियोसिस हुआ, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि सर ये जो बना अस्पर्मी, अस्पर्मी दो तरह का से बना, अगर एक्स वाला अस्पर्मी जाएगा तो गर्ल्स उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा बाबू, गर्ल्स उत्पन्न होगा, गर्ल्स माने लड़की, और जब ये फिर एक्स जाएगा तब भी फिर क्या उत्पन्न होगा, गर्ल्स उत्पन्न होगा। लेकिन जो वाई वाला स्पर्म जाएगा, पापा का जो वाई वाला होगा वो तो बैठ के तो हम नहीं देख सकते ना, अगर बैठ के देखते हैं तो समझे लड़का और लड़की, ये इम्पोसिबल बैठ के देखना वहां पे, अब भेजाइना में जा रहा नीतीश कुमार वाले ट्रिक वो तो जानवे करते हैं, जब जाए लगता है लास्ट में तो उतना अंदर नहीं ढकलना चाहिए, पीछे से निकाल लेना चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। अब बताइए यहाँ जो हुआ वो कोची हुआ जी, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ जी, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या होगा जी बाबू लो, फर्टिलाइजेशन। नीतीश कुमार का फर्टिलाइजेशन के परिभाषा बहुत सिंपल होता है, हमारे पीएम। आगे चलते हैं, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, एक बात को ध्यान में रखिएगा, जो हम लोग का जो लिंग का जो निर्धारण, हम लड़का हूं ठीक है, तो हम पापा के गुणसूत्र पर डिपेंड किया कि वाई वाला भेजा होगा तो वाई वाला भेजा तब हमारे पप्पुआ, अगर आप लोग लड़का हैं तो आपने पापा आपको वाई वाला भेजेंगे अस्पर्म में तब आप आएंगे, अगर लड़की है तो आपका पापा है एक 16 अस्पर्म में भेजेंगे, तो डिपेंड कर रहा है पिता के क्रोमोसोम पर, आपका लिंग का निर्धारण डिपेंड कर रहा है। तो आपको फिक्स है कि आपका समझ में आ चुका है, जब समझ में आ चुका है जो एक्स एक्स वाई है ना ये लिंग गुणसूत्र है और जो 44 है वो अलिंग गुणसूत्र अर्थात बॉडी गुणसूत्र है, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका है, जब समझ में आ चुका है तो वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि सबका समझ में आ जाए, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को इतना शेयर करिए ना ताकि लगे कि लेवल और ऊंचा बढ़े, ठीक है। लेकिन आपको दीपावली अर्थात दिवाली में भी आपका वीडियो सेंड किया जा रहा है, घर पे हम नहीं है, यहाँ पर आकर के वीडियो डेली बना रहे हैं, ठीक है। इसकी वीडियो के जितना जितना शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए।